हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डर्म डॉग प्रोडक्ट्स के रिव्यू और साथ में मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। ये है डर्म डॉग की जेल्स, है ये स्किन रीजेनरेशन जेल है विथ हियालुरोनिक एसिड और ये है पोर रिफाइनिंग जेल विथ सैलिसिलिक एसिड। मुझे दोनों का जो कंसेप्ट है ना विथ हियालुरोनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, ये मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो आपके पिंपल्स के ऊपर काम करता है और जो हियालुरोनिक एसिड होता है वो आपके दाग धब्बे के ऊपर काम करता है। बाय द वे, मैंने डर्म डॉग के फेस वॉशेस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, नहीं देखी आप लोगों ने तो आप जाकर जरूर चेकआउट कर लो क्योंकि उसमें भी ये दोनों इंग्रीडियंट्स के ना दो फेस वॉशेस थे, एक में हियालुरोनिक एसिड था एक में सैलिसिलिक एसिड था, जो आपकी स्किन को सूट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इसको परचेज करना। लिंक मैं आपको उस वीडियो का डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन दोनों के परचेज लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स बिगिन और यप परचेज लिंक्स। ये है डर्म डॉग की दो जेल्स हैं, ये पोर रिफाइनिंग जेल है विथ सैलिसिलिक एसिड और ये है स्किन रीजेनरेशन जेल विथ हियालुरोनिक एसिड। दोनों की क्वांटिटी 50 ग्राम दी हुई है और दोनों के मैं आपको ना बारी बारी से बताती हूँ कि सैलिसिलिक एसिड और हियालुरोनिक एसिड में क्या डिफरेंस है, आपको क्या लेनी चाहिए, आपकी स्किन को क्या सूट करेगा, जो आपकी प्रॉब्लम है ना उसके अकॉर्डिंग आपने बाय करनी है ये वाली जेल। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैलिसिलिक एसिड से। मैं इसको यूज कर रही हूँ वैसे तो डियर, क्योंकि ना आपको पता है मुझे ना एक्ने थोड़े आते जाते रहते हैं तो मुझे सैलिसिलिक एसिड काफी पसंद आता है। पोर रिफाइनिंग जेल है स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड विथ सैलिसिलिक एसिड, ट्रीट एक्ने एंड कीप योर स्किन ऑयल फ्री। मेरे स्किन पे इतना ऑयलीनेस नहीं है बट एक्ने वगैरह कई बार होते रहते हैं। सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा, आपके जितने भी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको प्रिवेंट करता है, ब्लैक हेड्स के ऊपर काम करता है, अगर आपकी एक्सेस ऑयल की प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर भी काम करेगा और पिंपल्स ठीक तो करेगा और फ्यूचर में आपको पिंपल्स होने भी नहीं देगा। पिंपल्स होने के बाद जो दाग धब्बे रह जाते हैं वो उसको भी ठीक करेगा जिससे आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी लगेगी और ग्लोइंग करेगी। ये वाली जो सैलिसिलिक एसिड वाली जो क्रीम है ये ऑयली टू एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बेस्ट है। इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, एक्वाक्सिल, एलोवेरा लीफ जूस डाला है, जोजोबा ऑयल, रोजमरी ऑयल, बाकी इन्होंने जो बेस डाला हुआ है। 199 रुपीज की है, इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। 3 साल आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। और ये जो दूसरी है ये है स्किन रीजेनरेशन जेल है हियालुरोनिक एसिड के साथ। हियालुरोनिक एसिड क्या करता है डियर, ये आपके स्किन के जितना भी मॉइस्चर लेवल है ना उसको वो मेंटेन रखता है और आपके स्किन को ना स्टिमुलेट करता है ब्लड सर्कुलेशन को, जिसकी वजह से आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाएगी, सपल हो जाएगी। ये ना एंटी एजिंग का भी काम करता है, डीपली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, रिड्यूस करता है साइंस ऑफ एजिंग और स्किन को एकदम रेडिएंट और कॉम्प्लेक्शन आपका एकदम ग्लोई सा बन जाता है। इसको रेगुलर अगर आप अप्लाई करोगे, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए ये वाली रिकमेंड की जाती है और जिनकी ऑयली स्किन है तो आप ये वाली लगाओ, लेकिन अगर आपके पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम, लाइक मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई की कैटेगरी में आती है लेकिन मुझे यार थोड़े बहुत ना पिंपल्स आते जाते रहते हैं तो इसको मैं ना लगाती रहती हूँ बीच बीच में क्योंकि मुझे सैलिसिलिक एसिड भी सूट करता है पिंपल्स के ऊपर। अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो दोनों के बिल्कुल सेम है, उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड डाला तो उसके अंदर हियालुरोनिक एसिड डाला है, बाकी बिल्कुल सब कुछ सेम है। प्राइस और इनके ये शेल्फ लाइफ है ये बिल्कुल सेम है। कुछ इस तरह के कंटेनर में आपको ये वाली जेल्स रिसीव होंगी, दोनों प्लास्टिक के कंटेनर हैं और सब कुछ इनके ऊपर मेंशन किया होगा। मैं आपको थोड़ा सा, ये कौन सी है, ये हियालुरोनिक एसिड वाली, आपको ओपन करके दिखाती हूँ, साथ में आपको ये लिड मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, जब भी आप कोई जेल वगैरह लेते हो ना डियर, अच्छी तरह से उसको ना मसाज किया करो अपने फेस के ऊपर। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हाइड्रेटिंग टेक्सचर है, अभी आपको पानी पानी जैसा लग रहा है, बिल्कुल अभी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा और एक बहुत लाइक लेयर सी बन जाती है आपकी स्किन के ऊपर हाइड्रेशन वाली। आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन के ऊपर आपने कुछ लगाया है, चिपचिप भी नहीं कर रहा है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल उसने हाइड्रेट कर दिया आपकी स्किन को। और साथ में डियर ये जो सैलिसिलिक एसिड वाली है ये भी बिल्कुल ऐसी है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, देख सकते हो आप, ये भी उतनी ही हाइड्रेटिंग है। ये जो सैलिसिलिक एसिड वाली जेल है ना ये बिल्कुल ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही है जैसे मेडिसिनल फ्रेग्रेंस नहीं होती है, जब अगर एक्ने प्रोन हो आपकी स्किन होती है या फिर एक्ने वगैरह आपकी स्किन को हो जाते हैं ना तो डॉक्टर्स ऐसी ही आपको क्रीम्स लिख के देंगे जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, और ये भी डियर बिल्कुल वैसी ही है,
हाइड्रेटिंग सी जेल है, अच्छे से आपने मसाज करना है इस जेल के साथ अपने फेस को जब आप फेस वॉश करके आते हो। और दोनों में से डियर आपने वही लेनी है जो आपकी स्किन की टाइप है, जो आपकी स्किन को नीड है। राइट नाउ मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन है, फेस वॉश मैंने अपना किया, उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई कर लिया था और अब मैं अप्लाई करूंगी डर्म डॉग की जेल। ये सैलिसिलिक एसिड वाली जेल है, आप चाहो तो आपको जो सूट करते हो ना वो वाली लेना जो आपकी स्किन की नीड है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल सी है। और मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं कोई जेल वगैरह अप्लाई करती हूँ ना डियर, मैं उसको थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में ले लेती हूँ, अच्छी तरह से अपनी स्किन को मसाज करती हूँ, क्योंकि जनरल बेसिस पे हम रोज फेशियल वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन एक या दो मिनट के लिए ना मसाज कर लिया करो, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, अंडर आईज भी जरूर किया करो, डार्क सर्कल्स नहीं रहते। ये क्रीम का टेक्सचर मुझे काफी पसंद आया और साथ साथ में ये पिंपल्स के ऊपर भी काम कर रही, तो और अच्छी चीज है, जरूर आप इसको एक बार ट्राई करो, पैराबेंस नहीं है ये वाले प्रोडक्ट्स में, तो डू गेट। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली आप सबके साथ शेयर कर देना। मेरी तरफ से अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली इनको ट्राई करो, आपको पसंद आएंगे। जो आपकी स्किन की नीड है ना डियर, उसी के अकॉर्डिंग ही आप इनके प्रोडक्ट्स को चूज करना। बाकी दोनों के मैंने आपको परचेज लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।